हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिस्कशन कौन बनेगा केकेआर का कैप्टन। जी हाँ, आईपीएल ऑक्शंस की डेट अब क्लोज आती जा रही है और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी पिछले साल की चैंपियन केकेआर का कैप्टन कौन बनेगा। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास 51 करोड़ का पर्स है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, बाकी टीमों के पास इससे ज़्यादा बड़ा पर्स है। और जो है हमारे पास आरटीएम का भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने 6 के 6 रिटेन करके रखे हैं। हालांकि वो अच्छा कोर हमने बनाया है, बट स्टिल हमें चाहिए एक कैप्टन। तो मैंने एनालाइज करके कुछ ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, एंड लेट्स सी कि क्या वो दावेदार बनेंगे हमारे कैप्टन बनने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऋषभ पंत का, बट ऋषभ पंत को मैं तुरंत तुरंत बाहर करता हूँ इस रेस से। उसका रीज़न ये है कि पंजाब किंग्स का कोच है रिकी पॉन्टिंग, और उनकी अच्छी बनती है पंत के साथ। साथ में पंजाब किंग्स के पास बजट भी अच्छा खासा है, तो मुझे लगता है कि दे विल बी स्नैचिंग अवे पंत फ्रॉम एवरीवन टिल पंत का कहीं और किसी और टीम के साथ ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी हो। ठीक है, दूसरा नाम हमारे पास है केएल राहुल। केएल राहुल की परफॉर्मेंस अभी करेंटली जैसी है, मुझे नहीं लगता कि कोई टीम उनको कैप्टन के तौर पर देखेगी अपार्ट फ्रॉम आरसीबी, बिकॉज इज अ लोकल बॉय। तो मैं उनको भी इस रेस से बाहर करता हूँ। देन वी हैव मार्करम। मार्करम की कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर है टू केएल राहुल, तो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, बट साउथ अफ्रीका के अभी कैप्टन हैं और उम्मीद तो उनसे है कि वो अच्छा करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका T20 में उन्होंने अपनी सनराइजर्स को विजेता बनाया था। तो उनसे उम्मीदें हैं, अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, बट हमें देखना पड़ेगा कि क्या KKR उनकी तरफ इंक्लाइंड है। इसके बाद अगला नाम जो आता है वो है नीतीश राणा का। नीतीश राणा का नाम इस समय मार्केट में काफ़ी गर्म है इन टर्म्स ऑफ KKR कैप्टन। रीज़न बीइंग कि वो 7-8 सालों से अभी KKR के साथ हैं और वो एक टीम को अच्छे से समझते हैं, मैनेजमेंट को अच्छे से समझते हैं, उनका रेपो अच्छा है टीम के साथ। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि KKR को इस समय अगले 5 सालों की सोचनी चाहिए, क्योंकि ये मेगा ऑप्शन जहां तक सुनने में आया है कि 5 साल तक नहीं होंगे। तो एक कोर बनाना है, एक ऐसा कैप्टन लेना है जिसके अराउंड हम टीम बना सकें, एंड उस लिस्ट में कहीं ना कहीं नीतीश राणा थोड़े पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट तो हैं बट वो एक ऑरा लेके नहीं आते हैं शायद, जिसके वजह से उनको कैप्टन बनाया जाए। और प्लस फ्यूचर का देखें तो शायद कहीं ना कहीं वो जो है उस रेस में मात खा जाएंगे। अगला नाम जो आता है मेरे दिमाग में वो है जॉस बटलर का। जी हाँ, जॉस बटलर मुझे लगता है कि इन लिस्ट में कीपिंग एट द एज वो थोड़ा पीछे छूट रहे हैं, बट आई थिंक उनके अंदर अभी भी 3 साल की क्रिकेट बाकी है, स्पेशली जब वो सिर्फ T20 खेलने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि ही इज गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन। आई नो एज उनके साथ नहीं है, बट स्टिल समवेयर मुझे लगता है कि ही कम्स विद अ पैकेज। ही इज अ विकेट कीपर, ही इज एन ओपनर, एंड देन ही कैन ऑल्सो बी अ कैप्टन। तो आई थिंक ही इज अ गुड ऑप्शन। बट जो एक फाइनल नाम मुझे लगता है कि KKR का कैप्टन बनने के लिए बेस्ट चॉइस होगा, वो है ईशान किशन। रीजन बीइंग, ईशान यंग है, उनके पास ओपनिंग का ऑप्शन है, उनके पास विकेट कीपिंग का ऑप्शन है, और वो झारखंड की कैप्टेंसी भी कर चुके हैं, तो ही हैज दैट लीडरशिप स्किल्स, एंड समवेयर इंडियन क्रिकेट टीम भी उनको आगे एक लीडरशिप रोल में देखना चाहेगा। तो मुझे लगता है कि कीपिंग इन माइंड कि अगले 5 साल तक मेगा ऑप्शंस नहीं होने हैं, और ईशान किशन जो है एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं फॉर अ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। तो मुझे लगता है कि ईशान किशन इज गोइंग टू बी द नेम विच KKR शुड टारगेट, एंड वी विल बी होपफुल, और एटलीस्ट आई विल बी होपफुल कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ईशान किशन को KKR का कैप्टन बनाया जाए। तो ये तो गोल गाइस था मेरा व्यू। अब आपको क्या लगता है, डू लेट मी नो। मैं नीचे वोट डाल रहा हूँ, आप वोट भी कर सकते हो, एंड लेट अस नो कि कौन बनेगा KKR का कैप्टन। थैंक यू।